न्यूनतम वेतन? जी हाँ, न्यूनतम वेतन। आप 1 रुपए से लेकर 1 लाख की दिहाड़ी या सैलरी ले रहे होंगे। हाँ, इसी को तो न्यूनतम मजदूरी कहते हैं। और जो काम के बदले पैसा लेता है वह निश्चित तौर पर मजदूरी कर रहा है। पर यह क्या, दिल्ली में कार्यरत 40 लाख मजदूर अपनी दिहाड़ी अर्थात न्यूनतम मजदूरी को तरस गए हैं। तभी तो दिल्ली के ट्रेड फेडरेशन इसी मुद्दे को लेकर चक्का जाम करने वाले हैं। पूरी बातों पर चर्चा कर रहे हैं HMS दिल्ली के सचिव नारायण सिंह। आज यूनियन की बैठक कहाँ थी और किस मुद्दे पर थी? हम लोग की मीटिंग दिल्ली ट्रेड यूनियन एसोसिएशन की तरफ से थी, जिसमें दिल्ली के सभी ट्रेड यूनियन साथी शामिल हुए थे, जिसमें एटक, इंटक, BMS, HMS, C2 वगैरह सारे शामिल हुए थे। कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? 45 प्रतिनिधि आए हुए थे सभी ट्रेड यूनियनों के, जिसमें श्रम कार्यालय करमपुरा, शाहदरा, झिलमिल, ओखला, पुष्पा भवन, नीमड़ी कॉलोनी आदि के सभी ट्रेड यूनियन साथी आए थे। और हमारा मुख्य मुद्दा था कि दिल्ली के 40 लाख मजदूरों को न्यूनतम वेतन लागू कराने का। किन किन लोगों ने अपने विचार रखे, मुख्य बातें क्या रही? एटक और इंटक और HMS की तरफ से यही मुद्दा रहा, यही विचार आया कि दिल्ली के 40 लाख मजदूरों को जो न्यूनतम वेतन दिल्ली सरकार ने घोषित कर रखा है 1 अप्रैल 2014 से 13,584 रुपये, उसे लागू कराने के लिए सभी ट्रेड यूनियनों ने एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में यह मुद्दा था कि दिल्ली के मजदूरों में काफ़ी आक्रोश है कि दिल्ली के 40 लाख मजदूरों का भविष्य अंधकार में फंसा हुआ है और दिल्ली सरकार न्यूनतम वेतन लागू कराने में असफल है। वो 40 लाख मजदूर फैक्ट्री, जो छोटी मोटी फैक्ट्रियां उद्योग नगर, नांगलोई, ओखला, शादरा, बवाना, नीमड़ी कॉलोनी या वजीरपुर, ये सभी और मायापुरी, ओखला, सभी इंडस्ट्री एरिया के अंदर काम कर रहे हैं। जो 40 लाख छोटी बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक हैं, जो मेहनत कश हैं, खाली दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि जितने भी सरकारी महकमे में ठेकेदार हैं उनको दिल्ली के जो न्यूनतम वेतन है लागू करा दिया गया है, लेकिन 40 लाख मजदूरों को न्यूनतम वेतन अभी लागू नहीं हुआ है। सच कहा जाए तो न्यूनतम वेतन की परिभाषा यह है कि जो सरकार के आंकड़े होते हैं महंगाई के, उस महंगाई के आंकड़े के अनुसार दिल्ली गवर्नमेंट है, जो दिल्ली प्रशासन, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक न्यूनतम वेतन का फार्मूला अपना रखा है, उस फार्मूले के हिसाब से महंगाई भत्ता डिक्लेयर करते हैं, उसके हिसाब से न्यूनतम वेतन लागू होता है। जैसा कि आपने बताया कि 10 लाख श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, दिल्ली के अंदर 10 लाख श्रमिक नहीं, 40 लाख श्रमिक है। और दिल्ली सरकारी महकमा, जैसे सरकारी हॉस्पिटल हो गए हैं, सरकारी एजुकेशन स्कूल हो गए हैं, वाटर सप्लाई हो गया है, MCD के ठेकेदार हो गए, ये सभी ठेकेदार हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट ने न्यूनतम वेतन लागू किया है 3 मार्च 2017 से। वो अपने अपने ठेकेदारों को न्यूनतम वेतन दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन उसी दूसरी तरफ देखो तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो न्यूनतम वेतन है फैक्ट्री के मजदूरों को लागू नहीं है। इसके लिए देश का दुर्भाग्य है। क्या कोई पहल की है या फिर कोई कदम उठाया है? देखिए, हम लोग की ऑल इंडिया की फेडरेशन है, ऑल इंडिया बेसिस पे फेडरेशन है। हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पार्टी बने हुए हैं। दिसंबर के अंदर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ने सारा आर्गुमेंट वगैरह सुनने के बाद फैसला निर्णय दिया था, लेकिन उसके निर्णय के बाद भी ये तीसरा महीना शुरू हो गया, अभी वो निर्णय एज इट इज है। जो दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने दिल्ली के मजदूरों का फैसला रिजर्व किया था कि 1 हफ्ता के बाद सुना दिया जाएगा, आज 3 महीने हो रहे हैं, अभी तक सुनाई का कोई अता पता नहीं है। यूनियन व दिल्ली सरकार के बीच हाईकोर्ट कैसे आया? दिल्ली के कुछ उद्योगपति हैं, दिल्ली के कुछ उद्योगपति हाईकोर्ट में गए कि जो दिल्ली सरकार ने 3 मार्च को न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन जारी किया, ये महंगाई जो न्यूनतम वेतन हम लागू कर नहीं सकते हैं, उसी मांग को लेकर दिल्ली के अंदर कुछ एसोसिएशन है वो दिल्ली हाईकोर्ट में गई हुई हैं, जिससे कुछ ही संगठन जुड़े हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल है, गारमेंट वाली है और रेस्टोरेंट के मालिक हैं, ये दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर गए हुए हैं। और उन हाईकोर्ट ने ये कहा कि जब तक ये हाईकोर्ट डिसाइड नहीं कर देती, जब तक इन पर कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के सारे कारखानदारों ने लिखकर दे दिया कि हम हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने दिल्ली के मजदूरों को न्यूनतम वेतन लागू कराने के लिए कोई स्टे वगैरह नहीं किया। निजी संस्थानों में न्यूनतम वेतन लागू कराने के लिए क्या कोई पहल की है? दिल्ली के मजदूरों को हितों को देखते हुए, दिल्ली के 40 लाख मजदूरों को हितों को देखते हुए तथा न्यायपालिका और सरकार के आपसी मतभेद के कारण
आज दिल्ली का 40 लाख मजदूर इधर उधर भटक रहा है। उसी संबंध में आज दिल्ली ट्रेड यूनियन एसोसिएशन ने दिल्ली के जितने भी ट्रेड यूनियन साथी हैं उसकी श्रम कार्यालय करमपुरा के अंदर मीटिंग बुलाई थी। उसके अंदर यह निर्णय लिया गया है कि हम सबसे पहले एक ज्ञापन दिल्ली के उपराज्यपाल को देंगे। अगर उपराज्यपाल कोई अहम फैसला नहीं कराते हैं तो इसके लिए हम दिल्ली के मजदूरों को 40 लाख मजदूर है उसको आंदोलन के रास्ते को उतारने के लिए हम हड़ताल पे जाने की पूरी रोजी रोटी के लिए, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए, उन्हें न्यूनतम वेतन लागू कराने के लिए मजदूर आज हड़ताल करने पे उतारू है। मजदूर कह रहे कि आप पहल कीजिए। आज हमने पहल करने के तहत हमने दिल्ली के जितने भी ट्रेड यूनियन साथी हैं उनकी मीटिंग बुलाई थी श्रम कार्यालय के अंदर। 1 बजे मीटिंग हुई और 4 बजे मीटिंग हुई, सबने सर्वसम्मति से यह फैसला किया है कि दिल्ली के मजदूरों का आंदोलन की रूपरेखा तय करके हम दिल्ली के मजदूरों को आंदोलन के तैयार करेंगे और दिल्ली के मजदूरों को सड़कों पर उतारा जाएगा।